हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम दोनों जा रहे हैं एक न्यू जर्नी की तरफ जो कि है ऋषिकेश की, और हम जा रहे हैं मसूरी एक्सप्रेस से जो कि हमें छोड़ेगी हरिद्वार, और हम जाएंगे इसके फर्स्ट एसी कोच में। चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए इसका एक्सपीरियंस कैसा होता है हमारा फर्स्ट एसी कोच का। तो फाइनली फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं अपनी एक और ट्रिप की तरफ और वो है ऋषिकेश के लिए। देखो बहुत भीड़ है यहाँ पर, लेकिन इसका मज़ा ही आ रहा है। और हमारा जो कोच है वो फिर से है एसी कोच, फर्स्ट एसी कोच, और जो हमें अलॉट हुआ है वो हुआ है कूपे। आइए आपको दिखाते हैं अंदर का रास्ता। चलो भाई जानू, तुम आगे चलो, तुम आगे चलो। ये रहा हमारा एसी कोच, फर्स्ट एसी कोच। ठीक, चलो वेलकम बैक। चलो तुम चलो, क्या चलो तुम चलो। देखो ये है मसूरी, ये है मसूरी एक्सप्रेस का एक एसी कोच, फर्स्ट एसी कोच। आ गया, और ये रहा हमारा कूपे। बहुत बढ़िया लग रहा है, एक मिनट बैक अंदर लो बस। और ये कुछ कूपे इस तरह से है, इसमें इन्होंने ये टेबल शायद कुछ है इसको। अच्छा, यहाँ पे कुछ सामान वामान रखने के लिए है ना। हाँ। इसको बंद कर दो। पर ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये वाला कूपे सामान रखने के लिए, पढ़ने के लिए। पकड़ना इसको ज़रा थोड़ा सा, एक मिनट एक मिनट, अब खींचो। हाँ, ये हो गया बैट्स होने के लिए, है ना। एक ऊपर हो गया, तो नॉर्मल ये ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, स्ट्रेट हो जाएंगे। और ये अच्छा है यहाँ भी बैठने के लिए, देखो है ना। कर्टेंस हो गए। ये किस लिए लगाया गया है? ये पता नहीं क्यों लगाया है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या मिला है? पिलो मिले हैं, और यहाँ पर कंबल है, टॉवल वगैरह कुछ नहीं यहाँ पर, है ना। तो फ्रेंड्स, फिर अब हम यहाँ पर सेटल हो गए हैं अपने कूपे में। ये था फर्स्ट एसी का कूपे मसूरी एक्सप्रेस का, और यहाँ से जो है, एक मिनट, यहाँ से अब हम जाएंगे हरिद्वार, फिर वहाँ से हम अगली अपनी नेक्स्ट ट्रेन लेंगे ऋषिकेश के लिए, क्योंकि ये ट्रेन हरिद्वार से मुड़ जाती है देहरादून के लिए। और कुल मिला के ठंडक अच्छी है यहाँ पे, एसी अच्छा है इस ट्रेन का, साफ़ सफाई है, तकिए वगैरह कंबल वगैरह सब कुछ अभी हमें मिले हैं, बाद में वो देने आया बंदा। तो ये है हमारा एक्सपीरियंस इस ट्रेन का। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाथरूम कैसे हैं। देखो ये है इसका बाथरूम, बाथरूम में शॉवर है, इसमें शॉवर हो जाएगा, गर्म पानी का जुगाड़ नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल बाथरूम है, बाल्टी वाल्टी कुछ नहीं है। और ये इसका एक साइड का इसका वेस्टर्न टॉयलेट, ओवरऑल ठीक है। और ये हमारा ई कैबिन, गैलरी। तो फ्रेंड्स, जो मेरी ट्रेन है मसूरी एक्सप्रेस, ये सही टाइम पे अप्रोच चल रही है, 5वीं डेट है उसके लिए। ये लीव कर रही है और दिल्ली स्टेशन जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस नंबर 16 पर लगाई जा रही है। और चलती हुई ट्रेन में स्टेशन के बाहर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि कोई आपका फोन वो ले सकता है। तो फ्रेंड्स, ट्रेन हमारी जो है वो टाइम पे चल रही है, और ट्रेन अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ इसमें ना पुरानी है। इससे जो इसके गेट है, देखो ये इसमें काफ़ी गैप है इसके अंदर, ये गैप है, इसमें से बाहर से शोर आएगा। ये हमें जो मैं आपको बता रहा था, ये हमें बाद में मिली है। इसमें टॉवल है, इसमें ये एक बेडशीट है, दो बेडशीट है, दो कंबल हो गए, और दो पिलो हमारे नीचे रखे हैं। अब हमें कुछ खाना वाना नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हमने अपने कूपे में दोनों ही बर्थ पे हमने अपनी जो ये बेडशीट्स हैं ये बिछा दी हैं, और अब हम रेडी हैं आराम करने के लिए, और सुबह मिलते हैं आपसे
हरिद्वार में। तो फ्रेंड्स सुबह के बज रहे हैं 5, ये देखिए आप मोबाइल में, और ट्रेन 5:20 हो रहे हैं। एक्चुअली ट्रेन अपने एक्चुअल टाइम से चल रही है, कोई डिले नहीं है। ये ट्रेन अराउंड 5:55 पे पहुंच जाएगी, 5:50 पे हरिद्वार, एकदम एक्यूरेट है। तो हमारे जो रात अच्छी रही, शांति से सोए, कोई कहीं से कोई शोर शराब में नहीं था, काफ़ी अच्छी लगी ट्रेन कुल मिला के। ये हमारा ओवरऑल कोपे का एक्सपीरियंस था इसका। अब हम मिलेंगे आपसे हरिद्वार में, चलिए ठीक। तो फाइनली फ्रेंड्स हरिद्वार हमारे टाइम से आ गया था, और हमारा मसूरी एक्सप्रेस का कोपे का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा। ट्रेन आरामदायक थी, ओवरनाइट जर्नी के लिए ये ट्रेन शानदार रहा। हरिद्वार कब आया पता ही नहीं चला। चलिए फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ आगे की जर्नी के लिए, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।